दोस्तों ये सेक्टर 2 का गणेश पंडाल है, अंदर पर देखो ये राम मंदिर का जबरदस्त यार क्या लाइट। दोस्तों यहाँ से जाएंगे अंदर, जो जनरल टिकट इधर से मिलता है। फाइनली हम लोग टिकट ले लिए, देख सकते हो ये न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति 20। फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है गणेश पंडाल सेक्टर 2 का। ये है बढ़िया, ये पूरा फोम से बना है भाई। ये देखो गणेश भगवान की सब लोग गणपति बप्पा, एक दो तीन चार। दोस्तों हम लोग फाइनली पूरा बाहर आ गए, जैसे हेलो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं सेक्टर 2 का गणेश पंडाल का वीडियो दिखाऊंगा और अभी आप देख सकते हो ये मैं बाहर में खड़ा हूँ और भीड़ हो रहा है भाई, देख सकते हो गाड़ी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ब्लॉगिंग करने के लिए भी सोचना पड़ता है भाई, आप लोगों को इतना मेहनत करूँ, आप लोग मेरे चैनल में सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक शेयर नहीं करते, आप लाइक शेयर किया करो भाई, तो आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ लाइन से पूरा लाइट लगाया गया भाई, आओ ना भाई, कोई लाइक कमेंट करता ही नहीं है, तो सपोर्ट करोगे भाई तो वीडियो देखने को मिलेगा। अरे देखो छोटे छोटे बच्चे लोग कितना चार सीट में भी गणेश पंडाल देखने के लिए आता है भाई। दोस्तों हम जा रहे हैं और देख सकते हैं अभी तक नहीं पहुंचे, बहुत दूर है भाई, और लाइट का डेकोरेशन देख सकते हो प्यारा सा, और पहुंचने वाले बहुत जल्दी। भाई थक गए, मैं थक गया हूँ बोल रहे भाई, अभी तो स्टार्ट है, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग वीडियो को जरूर देखना। तो इधर चलते हैं, ओहो लाइट यहाँ डेकोरेशन अच्छा करता है यार भिलाई में, मतलब सभी मैं गणेश पंडाल को देख रहा हूँ, लाइट का डेकोरेशन बेहतरीन, देख सकते हो पूरा शुरू से मतलब एक चौक से दूसरे चौक तक इतना लंबा लंबा लाइट का डेकोरेशन हो सकता है, मतलब लाइटिंग में कमी नहीं, मस्त बनाया रहता है, देख सकते हो एक तरफा। और ये राम मंदिर, राम मंदिर पिछले साल यहाँ वो बना था पेपर न्यूज का ना, सेक्टर 2 में याद है पेपर पेपर का पूरा डेकोरेशन किया था न्यूज पेपर का, और इस बार पता नहीं क्या बना है। तो चलते हैं और देखते हैं, ये वी आई पी टिकट है और यहाँ भी टिकट है। अरे यार यहाँ रहने का नहीं है, क्यों आएंगे ना भाई घूम के, अब इतना दूर आएगा तो क्यों नहीं जाएंगे, क्या देख लियो भाई, मैं तो नहीं देखा हूँ, तो मेरे साथ जाओगे ना भाई, ये देख सकते हो राम, ये है राम और बजरंग बली, ये तो आ गया यार, ये भाई हम लोग स्वर्ग बोल रहे थे, ये है स्वर्ग, देख सकते हो प्यारा स्वर्ग, ये भी ब्लू ब्लू दिख रहा है लेकिन बेहतरीन। दोस्तों ये सेक्टर 2 का गणेश पंडाल है, अब अंदर जाएंगे और उसके पहले देखो ये राम मंदिर का जबरदस्त यार क्या लाइटिंग डेकोरेशन किया यार, चलते हैं अंदर। चलो भैया क्या बोल रहे थे, वीआईपी पास लेना है क्या, यहाँ भी टिकट है भाई, यहाँ पूछते हैं कितना कितना है और टिकट काउंटर में चलते हैं। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति, ये देख सकते हो न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 बुकिंग काउंटर। तो हम अंदर चलेंगे, क्या भाई टिकट और जनरल का कितना रुपया उसका आगे में, ए वी आई पी वाला है 50 रुपया है और जनरल का 20 रुपया और वी आई पी 50 रुपये, ये वी आई पी गेट है देख सकते हो। तो चलते हैं हम लोग, अभी खाली हो गया भाई, जनरल भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से जाएंगे अंदर, जो जनरल टिकट इधर से मिलता है, तो चलते हैं अंदर। स्टार्टिंग हम लोग यहीं से जाएंगे, इधर पूरा मेला वेला लगा है और चलते हैं भाई, देख सकते हो यहाँ। तो चलो जल्दी चलते हैं टिकट काउंटर में,
अच्छा वहाँ पास है यार जनरल का टिकट, ठीक वहाँ से लो अंदर घुसो, अभी तो खाली हो गया है। हाँ समझ गया भाई, पिछले साल भी सेम ऐसी रखा था लेकिन इस टाइम न्यूज़पेपर से बना था, आप देखते हैं। ठीक दोस्तों, फाइनली हम लोग टिकट ले लिए, देख सकते हो ये न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति, 20 रुपये लगाया भाई जनरल का, और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग अंदर। और VIP क्या है 50 रुपये, तो VIP हम लोग पसंद नहीं किए क्योंकि कौन 50 देगा भाई, अभी तो खाली हो गया। तो चल जल्दी चलते हैं भाई क्योंकि टाइम भी तो बहुत हो रहा है, 11 बज गया है अभी। दोस्तों हम लोग पहुँच गए, अब जाएंगे अंदर और चले अंदर, टिकट मत देना पहले। अरे बिना टिकट के अंदर कैसे जाने देगा, टिकट तो लेगा ही लेगा। दोस्तों फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है गणेश पंडाल सेक्टर 2 का, आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ सब सेल्फी जोन, वाओ ये पूरा फॉर्म सी बना भाई, क्या घोड़ा हाथी ये देख सकते हो, जबरदस्त। चले अंदर, इधर आकर और देख लो तो। दोस्तों आप देख सकते हो ये है परिया, देख सकते हो कितना सुंदर पंडाल बनाया है भाई थर्माकोल से। तो अब अंदर जाएंगे और अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल है और कैसा बनाया है। चलो अंदर चले, चलो अंदर चलते हैं। हाथी मेरा साथी, आप लोग देख सकते हो बहुत बेहतरीन। तो चलते हैं अंदर और हम लोग भी अपना जूता चप्पल निकाल लेते हैं भाई, सब जूता चप्पल निकाल रहे हैं। दोस्तों हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ से प्रवेश स्टार्ट। वाओ क्या मस्त बना है, ये पूरा फोम से बना है भाई, ये देखो पूरा फोम से ही बना है, बेहतरीन मस्त फोम से बना है भाई, एक नंबर। ये देखो पूरा परिया है, क्या फोम से बना है, कटिंग तो जबरदस्त किया है भाई, ऊपर देखो वाह पूरे चिड़िया में, ऊपर का देखो एक नंबर दिख रहे पूरे चिड़िया है। ये देख सकते पूरा परिया ही परिया भाई। तो आगे और चलते हैं, और उससे पहले समिति की ओर से मैं स्वागत के लिए मेहनत करें हमारी पूर्व महापौर जी, जो इनके कार्यकाल में काफी अच्छा कार्य हुआ था। हमारे बीच पांडे मैडम भी है जो इस वक्त पूजा कर रही है, बच्चों का समिति बोल का अभिनंदन, सभी स्वागत के लिए हमारे पूर्व महापौर जी का जोर से बोलो गणेश भगवान की जय। सब लोग शांत बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, सब एक साथ हाथ उठा के बोलना चाहिए, गणपति बप्पा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बोलो गणेश भगवान की जय। मैं बप्पा के साथ साथ जयकारा मैं सारे भक्तगणों का भी लगाता हूँ, मैं उनको भी समिति की ओर से अपने ओर से सारे भक्तगणों को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। क्या कितने दूर से लाइन लगाकर आप बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, बप्पा से ये प्रार्थना है कि बप्पा सारे भक्तगणों का आप मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा विश्वास के साथ पुनः आप सबको बधाई। सारे भक्तगणों के लिए मैं बोलना चाहूंगा जयकारा सारे भक्तगणों के लिए, बोलो गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा हो गया, गणपति बप्पा हो गया। मैं चाहूंगा चलो बाहर आओ, चलिए किए बड़े भी तो नहीं आशीर्वाद वचन होंगे, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। बोलिए गणेश भगवान की जय। नॉर्मल फोम से बनाया है, पूरा फोम से बनाया है और नॉर्मल है, ये देख सकते हो। और ये फाइनली बाहर आ गया, इधर बाजार है भाई देख सकते हो, और ये आ गए बाहर घूम के, नॉर्मल है, ये देख सकते हो फाइनली। जय हो जय हो जय हो,
और हमारे मयंक भाई थोड़ा से क्या बोला जाए उसको, थक गए हैं। और हम लोग बेचारा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, तो पहले जूता चप्पल पहनेंगे। और ये देख सकते हैं क्या फोटो, तो हम लोग भी एक आध दो फोटो खिंचवाएंगे फिर चलते हैं आगे। दोस्तों आप देख सकते हो पूरा मेला लगा भाई, इधर खाने पीने का है, इधर बैग वगैरह है, इधर सब। ओ अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं भाई, जहाँ से आए वहीं से बाहर जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, यहाँ कोई जुगाड़ ही नहीं है, चलते हैं बाहर। दोस्तों हम लोग फाइनली पूरा बाहर आ गए, जो सेक्टर 2 का गणेश पंडाल था उसको देखकर, और ये पूरा झूला के साइड आ गया। अब निकलेंगे यहाँ से दूसरे में। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।